हैं, डेमोक्रेसी के माध्यम से हम यहाँ शासन भी चला रहे हैं। इसके बहुत सी खूबियाँ हैं, जैसा कि हमारे पहले के वक्ता माननीय उदय नारायण चौधरी जी ने कहा, और इसके बहुत इस पर प्रकाश डाला कि किस तरह से अभी समाज का वो लक्ष्य हमारा है कि अंतिम विषय अंतिम व्यक्ति तक अपना पहुँचावें, लेकिन वो लक्ष्य बीच में ही ख़त्म हो जाता है, वहाँ तक कुछ पहुँच नहीं पाता है। तो इसके कारण ढूंढने की ज़रूरत है, इसका निदान ढूंढने की ज़रूरत है। और हम लोग तो एक साधारण परिवार से आते हैं, वो स्कूल सूरजपुरा स्कूल जिसमें बहुत नाम था, वहाँ से अपनी शिक्षा दीक्षा की यहाँ। और ये भी है गर्व की बात कि पटना यूनिवर्सिटी में भी बीएन कॉलेज का एक बरस तक मैं छात्र रहा, तो इसलिए पटना यूनिवर्सिटी से भी लगाव रहा, लेकिन चूंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया इसलिए बीच में ही छोड़कर मैं चला गया। आज यहाँ पर आने का और एक और मौका मिला, जब बिहार विधान परिषद के स्थापना दिवस खोजा जा रहा था कि स्थापना दिवस क्या है और कहाँ से पहली इसकी बैठक हुई थी, तो यहाँ पटना कॉलेज में ही उसकी बैठक पहली हुई थी। हम लोगों ने शताब्दी वर्ष शुरू होने का पहला दिन हम लोगों ने इसी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में हम लोगों ने किया था। उस समय आए थे यहाँ पर माननीय ताराकांत झा जी, जो कि बहुत ही एक बड़े वकील के रूप में उनकी पहचान थी, और बहुत सा उनका आज भी योगदान रहा है। आज भी इसलिए योगदान रहा है कि फाइल पर तो आदमी चला जाता है, लेकिन फाइल पर संचिका पर बहुत से उसके रिमार्क्स ऐसे रहते हैं जिनको पढ़ करके आगे का रास्ता आदमी तय करता है। तो हम लोग आज के डेमोक्रेसी में, लेकिन एक चीज़ मुझे आज के बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इसलिए कि हमें भी जाना है, एक चीज़ मुझे बुद्धिजीवी लोगों से मुझे शिकायत है कि डेमोक्रेसी में का जो असली स्वरूप है, असली मूल जो तत्व है, वो वोट देना, और वोट में बहुत कम लोग जाते हैं। और चूंकि हम ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से जीतते हैं और लोग पढ़े लिखे, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी 3 बरस पुराना, वैसे लोग हमारे वोटर्स हैं। 8 जिला में ये विभाजित है ये कंस्टिट्यूएंसी, लेकिन वहाँ पर वोटर बनाने के लिए अपने से मेहनत करना पड़ता है, नहीं वोटर भी नहीं बन पाते, अपने से स्वेच्छा से बहुत कम लोग वोटर बनते हैं, और वोटर बनाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो पैसा किसी को नजायज़ खर्च नहीं है, लेकिन बनाने के लिए अगर चुनाव लड़ना है तो वोटर तो बनाना ही है, तो जाकर लड़के वोटर बनाते हैं, फिर जमा होता है वोट, वोटर बन जाता है, ये प्रक्रिया है। और वोटर बनने के बाद बूथ तक पहुंचाने के लिए जो जनरल वोटिंग जो होता है, तो हम देखते हैं कि गांव के जो गरीब लोग हैं और गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, वो सबसे पहले जा कर के लाइन लगते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो बूथ पर अपने से नहीं जाता है, वो या तो गाड़ी से उनको ले जाना पड़ता है, नहीं तो घर में बैठे रह जाएंगे और वोट देने नहीं जाते। और मुझे कुछ दिन पहले की बात याद है, सासाराम का ये कोर्ट है, सासाराम का सिविल कोर्ट, और उसमें व्यवहार न्यायालय जिसको भी कहते हैं, मैं गया तो वहाँ लोगों ने इस तरह से सभी लोग जुटे, बोले कि अपने फंड से यहाँ पर कुर्सी टेबल बनाने के लिए दीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर मैं नहीं दूंगा, यहाँ 2200 वकील हैं और पिछले चुनाव में केवल 44 आदमी गए थे वोट देने के लिए, 44 आदमी, मैं गिनती रखा था, 44 आदमी बहुत परिश्रम के बाद वोट देने गए थे। तो आपकी कुछ भागीदारी है नहीं, आपकी सहभागिता है नहीं, तो अपने पैसों को मैं वेस्ट क्यों करूं, आपके लिए टेबल कुर्सी क्यों दूं? ये तो वहाँ दिया जाता है जहाँ से कुछ उम्मीद रहती है, कॉलेज में स्कूल में जहाँ से लोग आते हैं अपने से वोट देने आते हैं, वो नीचे के लोग आते हैं, कॉलेज के और नीचे के हाई स्कूल के लोग तो आते हैं नहीं, कॉलेज में भी जो ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा बढ़िया कॉलेज है उस कॉलेज के लोग वोट देने नहीं आते। तो हमने कहा कि हमको 2 करोड़ रुपया मिलता है, तो 2 करोड़ रुपये का 2% कितना हुआ, 4000, तब के 4000 नगद अपने पॉकेट से अभी दे देते हैं, इसे अधिक नहीं देंगे, क्योंकि आप नहीं जाते हैं, आप टेबल पर बैठकर हजारते हैं, जितवाते हैं,
पल्ला हार जाएगा पल्ला जीत जाएगा, लेकिन आपकी सहभागिता नहीं रहती है। हम नहीं कहते हैं आप हमको वोट दीजिए, आप वोट देने जाइए जरूर, हमारे विरोध में ही दीजिए, या जो कैंडिडेट 1, 2, 3, 4, 13, 14 कैंडिडेट खड़ा होते हैं जिसको समझिए कि वो अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए, कम से कम डेमोक्रेसी तो मजबूत होगी। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हैं कि वोट देने नहीं जाते हैं, और मैं स्पष्ट बोलता हूँ आप दीजिए चाहे मत दीजिए, मैं आप ही के वोट से जीतता हूँ, लेकिन जो खामियाँ हैं हम में जो खामियाँ हैं वो आप ही कहें। पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स का स्तर बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ, आप कहें हमको कि आप में ये कमी है, ये कमी है, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन आप में भी जो कमी है उसको मैं कहने में नहीं हिचकता हूँ। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं हमारे एक ही हमारे क्षेत्र के, और ये जानते हैं कि किस तरह से हम लोग करते हैं, और वहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग से डर लगता है, अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, अधिक नहीं बोलने से मुझसे लोग पूछता है कि आप बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते हैं तो थोड़ा कम, और बोलती भी थोड़ा कम है। हम एक तरह से तो उदयनारायण चौधरी जी ने हम लोग को काम ही ऐसा दे दिया है कि वहाँ बोलना कम होता है सुनना ज़्यादा हो, नाम है स्पीकर लेकिन सुनने का काम करते हैं हम लोग, सभी सदस्यों का सुनते हैं, तो वहाँ से लोग बात करते हैं। और अपनी मूर्खता छिपाने का सबसे बढ़िया उपाय है कि कम बोला जाए, ज़्यादा बोलिएगा तो गलती होगी, लोग जानेंगे कि मूर्ख है, तो मूर्खता छिपाने का भी सबसे बढ़िया उपाय है। लेकिन आज की डेमोक्रेसी में अगर हम चुप रहेंगे तो उसका, जैसा कि कहा इन्होंने कि अभी उग्रवाद किस तरह का बाद वहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो ये होगा जब तक समता नहीं आएगी यहाँ पर। और आज के गरीब वर्ग में ये है कि वो देखता है कि मंच पर बैठे हुए आदमी में मेरा भी कोई रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, मेरा भी कोई आदमी यहाँ पर सम्मान पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अगर नहीं पाता है तो उसके मन में एक भावना उत्पन्न होती है, एक भावना उत्पन्न होती है मैं भारतीय जनता पार्टी से जीतता हूँ। और वहाँ पर डाल्टेनगंज में एक सभा थी, बहुत बड़ी सभा, लेकिन बचपन से मेरा थोड़ा मिजाज वो लेफ्ट की तरफ रहा, तो मैंने कहा, मुझे हमारे कलाशपति जी मिश्रा बहुत बड़े हमारे नेता थे, उन्होंने कहा कि, और मैं पलामू से और साउथ छोटनागपुर ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से चुनाव जीत कराया था उस समय, तो उन्होंने कहा तुम बोलो, मैं बोलना नहीं चाहता था, हमें बोलते बोलते हमसे कुछ गलती हो जाएगी हम उस तरह भाग जाएंगे, तो आप कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी इस तरह की भाषा बोलता है, तो इसलिए हम नहीं बोलेंगे। और मैंने वही बात बोला, भले तो कहा कि जो बुझाए सो बोलिए, मैं वही बोला, गरीबों के हक में बोला, गरीबों की बात की, और मैंने कहा कि आज यहाँ के लोग हमको बना दीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बना दीजिए, जो जिसको खेती का किसान मोर्चा का मीटिंग थी, खेती की इसमें कितने लोग करेंगे, जब सारी सुविधा मैं दे दूँ कितने लोग खेती करेंगे, कोई हाथ नहीं उठा। हम कहें कि इसलिए खेती नहीं कि यहाँ उग्रवाद पनप गया है, और उग्रवाद कोई सरकार नहीं मिटा सकती है, कोई सरकार नहीं मिटा सकती है, ये जिस समाज में हम लोग रहते हैं, हम चाहेंगे तो उग्रवाद मिटेगा, क्योंकि हम चाहेंगे तो हमारे गरीब जो ये हैं किसी जाति के हों, तो इस भावना से अगर गरीब लड़का है, गरीब घर का कोई आदमी है, तो उसको भी उसी तरह से सम्मान दीजिए। आज उसकी केवल रोटी खाने से पेट नहीं भरने वाला है, उसका पेट भरेगा जबकि उसको सम्मान मिलेगा, और समाज में सम्मान मिलेगा तो उसका पेट भरेगा। और जो खेती आप करते हैं उसमें खेती करिए, उसे बनिहारी मत कराइए, उसे हिस्सेदारी के रूप में रखिए, हिस्सेदार के रूप में रखिए, तो ये भावना दूर हो जाएगी, उसको लगेगा कि ये खेत हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, ये देश हमारा है, इसमें मेरा भी हक है। तो इस तरह की भावना, और इसी तरह का मैंने भाषण दिया, और सर्किट हाउस में ठहरा था, रात में कम से कम 10-20 आदमी हथियार लेकर के वहाँ पर आए, वहाँ पर चारों तरफ से, सच्ची घटना है, और सब लोग जुट गए। तो एक अपराध तो भली मंगने, हमको लोग कहने लगा कि भाई आप चले जाइए पलंग के नीचे छुप जाइए, नहीं तो आपको मार देगा। हम नहीं, अगर मारने आया होगा तो हम ही को मारने आया होगा, आपको सब लोगों को मारने के बाद भी हमको नहीं छोड़ सकता है, तो इसलिए पहले मैं जाऊंगा वहां पर सामने, और जाकर मैं हाथ जोड़ खड़ा हूँ, क्या गलती हो गई कि आप लोग इतने हथियार लेकर आ गए हैं। तो बोले कि गलती नहीं हुई है, आपसे आग्रह है कि आप इस क्षेत्र में कुछ समय दीजिए, और समय दीजिएगा तो बच्चों में जागृति आएगी, और हम लोग को से आपकी मित्रता होगी,
हम लोग को बहुत अच्छा लगा जिस रूप में आपने भाषण दिया भारतीय। हम कहेंगे भैया हमको पार्टी से निकलवाओगे क्या, हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। हम नहीं कहते कि भाजपा गरीब के विरोधी है, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो लाइन सोचने का हमारा था वो पार्टी लाइन से थोड़ा अलग था। और आज भी थोड़ा हम सभी को लेकर के चलने की जो एक परंपरा है उसको मैंने अपने व्यवहार में उतारा है, इसलिए आज भी लोग हाउस में मुझे आजाद शत्रु कहते हैं, आजाद शत्रु कहते हैं। और जब ये डेमोक्रेसी में इस तरह का जब चुनाव होने लगा और मुझे सभापति के रूप में चुना गया तो पत्रकारों ने मुझे पूछा कि भाई आपको तो हाउस चलाने का कोई अनुभव नहीं है, कैसे चलाइएगा। तो मैंने तो उदय नारायण चौधरी जी को हाउस चलाते देखा था और हमारे बहुत अच्छे ये हैं, हम लोग हर एक पॉइंट पर एक रहते हैं, उनको मदद भी करते हैं चुनाव में। हमने कहा कि हाउस चलाने का अनुभव हो या ना हो लेकिन संबंधों को निभाने का मुझे लंबा अनुभव है और उस आधार पर मैं सदन को चलाऊँगा और उसी आधार पर सदन को चलाऊँगा। और आज भी हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है अल्पसंख्यक के रूप में है वहाँ पर, मतलब कि कम संख्या होते हुए भी सभी लोग चाहते हैं कि पुनः यही सभापति बने, इसलिए कि सबको साथ लेकर के चला। और हमारे इस बनाने में प्रबल समर्थक हमारे उदय नारायण चौधरी जी भी हैं। तो ये डेमोक्रेसी का कुछ अच्छा पहलू कुछ बुरा पहलू होता है, लेकिन व्यवहारिकता में धीरे धीरे आते आते एक छोटा सा पत्थर घिसते घिसते वो बड़ा पत्थर बन जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। तो डेमोक्रेसी के बनाने की भी प्रथा परिचलन यही है कि हम लोग अब 70 वर्ष हो गया है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का और धीरे धीरे ये मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, मैच्योर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। और दूसरे देशों से हम लोग इस माने में अच्छे हैं कि हमारे यहाँ भाईचारा से ये सब चल रहा है और किसी में बहुत क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन मंच पर या किसी जगह कोई फंक्शन में मिलते हैं तो उसमें कट्टा नहीं रहती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सबके मन में है कि देश को आगे बढ़ना चाहिए, प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए। आज मुझे ये कहते हुए खुशी भी है और गर्व भी है, इस देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा है जो कि इंजीनियर भी है और जिसको विजन है, जो आगे बढ़ा रहा है। तो जो काम अच्छा करता है उसको बहुत क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ थोड़ा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। पूरे देश दुनिया में शराबबंदी की बढ़ाई हुई है, पूरे देश दुनिया में आज यही मॉडल लोग अपना रहे हैं। तो इसलिए इसमें हम लोग को सभी लोगों और बुद्धिजीवी वर्गों की वर्ग के लोगों की इसमें ज़्यादा ये होती है, आपकी बात लोग सुनता है, आपके बाद बच्चे पढ़ते हैं, अपने घर के गार्जियन से जाके कहते हैं, बच्चियाँ जाती हैं अपने घर में करती हैं। वो 2010 में जो चुनाव हुआ था यहाँ विधानसभा का, उसमें बड़ी भूमिका थी यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ, जो स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ थे और इनको साइकिल और पोशाक मिला था, वो अपने गार्जियन को बात देखी कि नहीं ये थी। और नीतीश कुमार जी उस समय नेता के रूप में हम लोगों ने उनको उछाला था कि उनका नाम नेता में यही रहेगा, नीतीश जी के नाम पर सब लोगों ने उनको वोट दिया, इसलिए कि उसको मिलता था पोशाक और ये कभी और गरीब के लड़के भी और उपस्थिति बढ़ने लगी। तो डेमोक्रेसी में हर एक पहलू पर जो सोचे वो नेता जो है उसको हर एक पहलू पर सोचने की ज़रूरत है और जो भी चुनौती सामने आवे उसको दृढ़ता से लागू करने की ज़रूरत है। मुद्दे बहुत हैं लेकिन उस मुद्दे का एक ही ये है कि शिक्षा में बहुत सुधार होनी चाहिए और शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। शिक्षा का प्रसार होगा तो गरीबी भी दूर होगी, गरीबी मिटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि गरीबी मिटे। और जीवन स्तर जो है इसका पैमाना वही है, ये चौधरी जी ज़्यादा जानते हैं, ये एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स के आर्थिक पहलू के एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से यहाँ जाते हैं, इनकी बातों को मैं सुनता हूँ और बहुत आदर मैं करता हूँ। और ये होते होते हम लोग की जो कुछ दूरी थी नज़दीकियाँ नज़दीकी भी बदल गई और इसलिए जहाँ हम लोग जाते हैं साथ में जाते हैं, जो बुलाते हैं चाहे हम बुलाएं आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसा है छोटी से, उस समय लोग कहें कि बहुत पैसा इसमें जा रहा है, पोशाक में जा रहा है, साइकिल में जा रहा है, ये प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन उसका नतीजा आज सामने आ रहा है कि जितने लोग हैं, जितनी उपस्थिति हमारी बालिकाओं में थी, जितने बच्चों में थे, आज उससे कई गुना अच्छा बढ़ गया। तो ये इसको चुनौती के रूप में लेने से, और वो सरकार टिकेगी जो कि अब विकास का काम करेगी, वही सरकार टिक सकती है।
और दूसरा एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि सरकार के द्वारा या नेता के द्वारा चाहे किसी भी दल का हो, अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। पार्टीय दलीय आधार पर उसको नहीं करना चाहिए कि ये खराब काम हो रहा है, ये ऐसे सोच तो बहुत है। इस गिलास में अगर आधा पानी है तो जो पॉजिटिव आदमी है कहेंगे आधा गिलास हमको पानी मिला है इसमें भूख से प्यास मिटाने के लिए, और दूसरा निगेटिव है तो आधा खाली है। तो ये आधा भरा हुआ है आधा खाली है, ये दोनों में ही एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने से, और ये एक आदमी से नहीं बनता है, केवल सरकार से पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बन सकती है, केवल सरकार डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत नहीं कर सकती है, ये मजबूत कर सकते हैं हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, बुद्धिजीवी कर सकते हैं। और अधिक से अधिक मेरा यही आग्रह होगा कि अधिक से अधिक आप इसमें सहभागी बने, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में आप सहभागी बने, और अपने और अपने बच्चों के साथ बूथ पर अवश्य जाएं। इससे सरकार बनती छोटी बात नहीं है, गोली से भी ज़्यादा इसका असर होता है, ये बुलेट से अधिक शक्तिशाली बैलेट है। इसके महत्व को हम समझेंगे तो डेमोक्रेसी के जितने मुद्दे हैं वो भी सॉल्व हो गए, चुनौतियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अपने को इसको एक मान करके कि हम ही इसको बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं, या हम की भावना, मैं की भावना नहीं, हम की भावना होनी चाहिए कि ये हम ही बदल सकते हैं। मतलब हम मिल करके अगर बदलें तो ये समाज बदलेगा, डेमोक्रेसी का अच्छा स्वरूप पूरे विश्व का, ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है हमारे देश की, जो लोकतंत्र है सब पूरे विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। इसको मजबूती के लिए एक एक आदमी अगर हाथ बढ़ाएगा, एक एक आदमी इसमें सहयोग करेगा, तब हम अंतिम पंक्ति तक पहुंच सकते हैं, अंतिम पंक्ति तक पहुंच सकते हैं, अपने संदेश को वहां पहुंचा सकते हैं, यह बहुत बड़ी बात होगी। आज के इस पर मैं धन्यवाद देते हुए और डॉक्टर चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बुलाया हमको और आप लोगों से मिलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ सब किसी को। मुझे जाना है अभी एक जगह सब परिवार, इसलिए मैं जाना भी चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत। हाँ मित्रों, हम पर आरोप न हो कि उस बिहार में जहाँ विमेन एम्पावरमेंट है वहाँ आप महिला विभाग की अध्यक्ष को सुने जा रहे हैं, इसलिए आग्रह है सिर्फ दो मिनट आप उनकी दो चार लाइन सुन लें और उसके बाद आप इजाजत नहीं सम्मानपूर्वक ठीक। और खासकर उस बिहार में जहां वीमेन एम्पावरमेंट इज ए मेन इश्यू, ये प्रोफेसर प्रणता ठाकुर मूलतः इतिहास विभाग की वरिष्ठतम शिक्षकों में एक हैं और दो महीने बाद इतिहास विभाग की भी अध्यक्ष होंगी, लेकिन इस वक्त ऐतिहासिक डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन्स स्टडीज़ की प्रथम अध्यक्ष हैं। ये पहली बार हुआ है जब पटना विश्वविद्यालय में इंडिपेंडेंट पीजी डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन्स स्टडीज़ का गठन हुआ है और ये इसकी प्रथम अध्यक्ष हैं, फर्स्ट चेयरपर्सन, चेयरमैन पर्सन, दैट मीन्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट। प्रोफेसर प्रणता ठाकुर,